आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। देखो क्या दिया है, जे इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यूएम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एमपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पीजे इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जो सबसे बड़ा है, सिंपल ये दैट, और ये जो बड़ा है यही हमारा डायगनल बन जाएगा बाद में, क्योंकि डायगनल हमेशा बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले पी यू बनाएंगे। तो स्केल लेना है आपको और आपको एक लाइन बनानी है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल 6.5 सेंटीमीटर की। तो दिस इज योर पी एंड दिस इज योर यू। ठीक है ना, अब देखो, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा है JU, JU, और यहां पर लिखा है PJ। तो देखो J इज कॉमन और हमारा P एंड U ये दो पॉइंट है, तो J इज कॉमन। तो दैट मीन्स आपको क्या है, अब J बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर स्केल लिया कंपास के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल 3.5 सेंटीमीटर हमने सेट कर लिया, और आपको यू में रख के जे बनाना है। यू में रख के यू विल मेक अ आर्क 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आर्क आपका ऐसे आएगा, तो दिस इज योर जे नाउ। ठीक है, अब वो पॉइंट भी बनेगा हमारा। तो ये देखो, नेक्स्ट इज योर पीजे 4.5। अगेन आपको सेम करना है स्केल एंड कंपास। तो कंपास में आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर सेट करना है, और पी में रखे यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस। तो दिस पॉइंट इज योर जे नाउ, और इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यू जे इज 3.5 एंड पी जे इज 4.5। तो हमारा ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये भी बन गया। नेक्स्ट देखो, दो ये बचे हुए हैं, इसके अंदर पी एम है और इसके अंदर यू एम है। तो पी एंड यू आर दिस पॉइंट, तो एम आपको बनाना है। तो दैट मीन्स एम आपका यहां पर बनेगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर सेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ऑन कंपास। कंपास के ऊपर 4 सेंटीमीटर सेट करोगे, फिर आप यू में रखोगे और यू विल मेक एन आर्क हियर। तो दिस इज योर एम पॉइंट। तो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट इज एमपी। पी में रख के आपको 5 सेंटीमीटर कंपास से आर्क बनाना है, तो आपका ऐसे आएगा। तो दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ये वाला देखो, यूएम कितना है हमारा, 4, और ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है।